हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज की सीडीएस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 में आई वेलकम यू ऑल। तो जो ये लेक्चर देख रहे हैं सीधा डायरेक्ट, और उन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा, तो लेट मी टेल यू कि इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे वेपन सिस्टम्स जो पिछले 1 साल में यानी 2021 में न्यूज़ में थे। तो ये सीडीएस एग्ज़ाम्स के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपका जैसे एक एग्ज़ाम हो चुका है और अब अगला नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम फेब में ड्यू है। सो फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग यू। और इसके साथ साथ ये लेक्चर सीरीज़ जो है आपको आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो इंटरव्यूज़ होंगे उनमें भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। सो दिस इज़ जस्ट, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि इसमें जो भी आपके मिलिट्री और उनके वेपन सिस्टम्स को लेके जो भी छोटे मोटे जो डाउट्स हैं, जैसे टेक्टिकल मिसाइल क्या होती है या फिर एक क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो वो वेपन सिस्टम के साथ साथ मैं वो डाउट्स भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको जितनी एक कॉमन मैन के तौर पे नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस सीरीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगेन विद लेक्चर 2। तो अब जो यहाँ पे हम वेपन सिस्टम देख रहे हैं दैट इज़ द शौर्य मिसाइल। तो शौर्य मिसाइल जो है वो बेसिकली एक टैक्टिकल मिसाइल है। तो ये टैक्टिकल मिसाइल का क्या काम होता है? देखिए, टैक्टिकल मिसाइल जो होती है वो यूजुअली शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। अब शॉर्ट रेंज मिसाइल का क्या काम होता है? देखिए, टैक्टिकल सपोर्ट जो भी होता है मिलिट्री टर्म्स में, तो वो ये होता है कि जो बैटल फील्ड है ना आपका, तो बैटल फील्ड से ही ज़्यादातर रिलेटेड रहता है। तो बैटल फील्ड में जो आपको पूरी हेल्प चाहिए होती है उसमें जो भी आपका सपोर्ट रहता है, चाहे वो आपका आर्टिलरी सपोर्ट हो, चाहे वो आपका सिग्नल सपोर्ट हो, तो वो सारा जो रहता है वो टैक्टिकल सपोर्ट रहता है। तो जो सोल्जर होता है वो एक सोल्जर जो है वो एक ड्यूटी परफॉर्म करता है, दूसरा दूसरी परफॉर्म करता है, तो दे आर नोन टू बी ईच अदर्स टैक्टिकल सपोर्ट पार्टनर्स, ठीक है। ऐसे ही टैक्टिकल मिसाइल जो होती है वो, उसका नाम टैक्टिकल रखा गया इसीलिए क्योंकि वो एक शॉर्ट एरिया को टारगेट कर रही है, ठीक है। वो एक शॉर्ट एरिया को, यानी कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं बट कि एक शॉर्ट एरिया को टारगेट कर रही है। और उसकी रेंज जो होती है वो भी कोई ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेंज होगी तो उस हिसाब से जो है उसका टारगेट एरिया भी उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो शौर्य मिसाइल जो है वो बेसिकली एक शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस बलिस्टिक मिसाइल है। अब ऑल दो ये बलिस्टिक मिसाइल है, और अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं और जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो आई सजेस्ट आप प्लीज़ लेक्चर 1 देखिए। उसमें क्लियरली जो है डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ अ बलिस्टिक मिसाइल एंड व्हाट इज़ अ क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो ऑल दो ये बलिस्टिक मिसाइल है लेकिन स्टिल इट इज़ अ शॉर्ट रेंज मिसाइल। तो रेंज कितनी है इसकी? रेंज जो है इट इज़ 750 किलोमीटर एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजिनियसली, यानी DRDO ने ही इसे जो है डेवलप किया है। अब टैक्टिकल मिसाइल, और जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रेंज होती है, तो ये ज़्यादातर जो इसमें यूज़ होती है टैक्टिकल मिसाइल में वो होते हैं आपके कन्वेंशनल वॉरहेड, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वेंशनल वॉरहेड से क्या मतलब है? तो कन्वेंशनल वॉरहेड से ये मतलब है कि इसमें इससे आप न्यूक्लियर अटैक्स नहीं करते हो। ऑल दो मैं नहीं कहूँगा कि टैक्टिकल मिसाइल न्यूक्लियर अटैक्स के लिए नहीं यूज़ होती हैं, देयर आर न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल। वो एक डेटरेंट की तरह काम करती है कि छोटे एरिया में न्यूक्लियर अटैक अगर आपने करना है तो वहाँ पे जो टैक्टिकल मिसाइल होती है उसमें आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो हमारी जो अग्नि मिसाइल है उसमें जो शॉर्ट रेंज वाली हैं दे आर न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स, ठीक है। लेकिन टैक्टिकल मिसाइल जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ज़्यादातर वो कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी करती हैं, मतलब वो गोला बारूद जो आमतौर पर जो डिस्ट्रक्शन वगैरह के लिए और एनिमी को जो है टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट जो होती है वो होती है एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल। इसके ऑपोजिट जो होती है वो होती है एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल। स्ट्रेटेजिक मिसाइल बिल्कुल ऑपोजिट होगी टैक्टिकल मिसाइल की, मतलब इसकी लॉन्ग रेंज होगी, ठीक है। इट विल हैव अ लॉन्ग रेंज और ये जो है काफ़ी वाइड एरिया को टारगेट करने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। और तीसरी बात, ये न्यूक्लियर कैपेबल हमेशा होगी ही होगी, ठीक है। हो सकता है आपकी टैक्टिकल मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल ना हो, मतलब इट मे नॉट बी एबल टू कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड्स, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो है वो हमेशा न्यूक्लियर कैपेबल होगी। तो अब आप कहोगे सर मिसाइल तो मिसाइल होती है, उस पर चाहे न्यूक्लियर वॉर हेड रख के भेजो चाहे कन्वेंशनल, बट ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर वॉर कैपेबल बनाने के लिए किसी भी मिसाइल को उसको स्पेशली डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं उनको जो है इनिशिएट करने के लिए या उनको जो है
डेटोनेट करने के लिए कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स वगैरह चाहिए होते हैं, स्पेशल जो है उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए होता है, वो जो है डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। सो नॉट एवरी वे मिसाइल कैन कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड्स, ओनली सम स्पेसिफिकली डिजाइंड मिसाइल्स कैन कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड। न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी करने वाले मिसाइल कन्वेंशनल वॉर हेड भी कैरी कर सकती है, लेकिन सिर्फ कन्वेंशनल वॉर हेड कैरी करने वाली मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड्स नहीं कैरी कर सकती। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजिक और शॉर्ट रेंज या फिर आप कह सकते हैं टैक्टिकल मिसाइल में भी डिफरेंस क्लियर कर दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज S-400 ट्रायम्फ, ठीक है, S-400 ट्रायम्फ। अब इससे आगे डिस्कस नहीं करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। SA-21 ग्राउलर, ये जो नाम है SA-21 ग्राउलर, ये इसी वेपन सिस्टम का नाम है। ये जो नाम है ये है रशियन, ठीक है, जो कि इसका ओरिजिनल नेम है, दैट इज S-400 ट्रायम्फ, ठीक है। वेयर एज दिस नेम SA-21 ग्राउलर इज द वन जो इसी वेपन सिस्टम को नेटो ने नाम दिया है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेयर यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट बैटरीज ऑफ S-400। तो ये जो वेपन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ इसको ख़रीदने के लिए एक $5 बिलियन का जो है अग्रीमेंट साइन किया था। तो इसकी डिलीवरी जो है वो 2021 में शुरू होनी थी, जो कि हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर बैटरी में 4 मिसाइल्स हैं। ये चारों की 4 मिसाइल्स डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए है। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज़ 400 किलोमीटर्स। इसके अलावा इसमें एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो 40 किलोमीटर्स तक की रहती है। जैसे ये यहाँ पे आप ये 4 देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 और इसके पीछे एक और चौथी है, ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3 और इसके पीछे एक चौथी है। तो ये सिर्फ यही मिसाइल सिस्टम नहीं होते, इसके साथ ये इसका रेडार सिस्टम है जो कि इनकमिंग एयर डिफेंस एरियल थ्रेट को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये सारा सिस्टम कंबाइन होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कम्बिनेशंस चल रहे हैं। तो ये सारा रेडार के साथ कंबाइन होता है, फिर यहाँ से कमांड जाती है और अकॉर्डिंगली असेस करके ये सारा जो इसका सिस्टम होता है, इट इज़ अ प्लग एंड प्ले सिस्टम, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसका सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है कि मेरे को शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल छोड़नी है या लॉन्ग रेंज वाली। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक 400 किलोमीटर्स की है, इसमें एक 240 किलोमीटर्स की रेंज वाली है, एक 160 किलोमीटर्स की रेंज वाली है और एक 40 किलोमीटर्स की रेंज वाली मिसाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंगली जो इसका सिस्टम होता है रेडार पे कैलकुलेट कर लेता है कि एनिमी को जो है इंटरसेप्ट कहाँ पे किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली मिसाइल जो है वो रिलीज कर दी जाती है। सो दैट मींस कि अगर बाय चांस, वैसे तो इसका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी अच्छा है, बट बाय चांस अगर ये 400 किलोमीटर वाली रेंज पे मिस कर जाती है, सो यू स्टिल हैव 4 ऑप्शंस टू हिट दी और टू न्यूट्रलाइज दी एरियल थ्रेट, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या हो गया, इसका मेन काम हो गया है एयर डिफेंस। तो ये किस चीज़ के लिए काम आती है, सो एयर डिफेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल, क्योंकि ये यहाँ पे लैंड से लॉन्च की जाएगी एंड इट विल डिस्ट्रॉय एन एरियल टारगेट, हेंस अ सरफेस टू एरियल मिसाइल। तो ये ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है इसका, रशिया। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2018 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था $5 बिलियन का, तो रशिया ने इसे बनाया है, रशिया ने ही इसे डिज़ाइन किया है। इससे पहले रशिया ने एक S-300 बनाया था, ठीक है, S-300 का ही जो है अपग्रेड है S-400। इसका जो ये रेडार है, इस रेडार की रेंज मैं आपको बता दूं, ऑल्दो एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे बट आपके नॉलेज के लिए, 600 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। ये इसका रेडार जो है वो 600 किलोमीटर दूर से ही जो थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके बाद अकॉर्डिंगली न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। सो इट इज़ अमंग द मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, जितने भी एरियल डिफेंस सिस्टम हैं उनमें से सबसे एडवांस जो है S-400 है। तो टर्की ने इसे बाय किया था, तो टर्की ने सॉरी US ने टर्की पे सैंक्शंस लगा दी थी कि डिस्पाइट बीइंग अ US नेटो मेंबर आपने जो है ये सिस्टम खरीदा है जबकि हमने इसे प्रोहिबिट किया था, ठीक है। तो टर्की पे सैंक्शंस लगी थी, अब इंडिया ने खरीदा है, इंडिया में डिलीवरी भी आनी शुरू हो गई है, तो क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी? अब सैंक्शंस कैसे लग सकती हैं? तो काट्सा नाम की एक एक्ट है, आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो इसमें टोटल 12 सैंक्शंस दी हुई हैं,
तो अगर ये एक्ट के अंडर किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगती है तो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, इज एम्पावर्ड टू पुट एटलीस्ट 5 सैंक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इंडिया को इसमें डेफिनेटली जो है एग्जेम्पशंस मिलने वाली हैं, लेकिन अगर सैंक्शंस लगती भी हैं तो वो इस हिसाब से लगाएंगे कि उनकी एक्ट की या उनकी पॉलिसी की इज्जत भी रह जाए और इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब भी ना हो। बिकॉज इन दिस टाइम इन 2021 यूएस नीड्स इंडिया, इंडिया मे नॉट नीड यूएस, वी हैव गॉट ऑप्शंस। ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो प्लीज़ ये सारे जो फैक्ट्स हैं आप याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ती है तो आप ये सारे फैक्ट्स वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, बट दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम एंड आई एम श्योर ऑफ दैट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका जो है वो महादेव का जो धनुष है उसका नाम है। तो आपने आई एम श्योर रामायण में नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, तो उसमें लॉर्ड राम ने पिनाका तोड़ दिया था। तो ये पिनाका जो है ये लॉर्ड शिवा का बो है, या आप कह लीजिए उनका धनुष है, और उसी के नाम पे ये रॉकेट सिस्टम का नाम रखा गया है। तो अब ये नाम इंडियन है तो डेफिनेटली ये इंडिया ने ही बनाया होगा, ठीक है, और इंडिया में कौन बनाने वाली, एक ही एजेंसी है, DRDO, राइट। तो ये पिनाका जो है इट इज़ यूज टू अटैक, ये ऑल दो रॉकेट सिस्टम है बट ये एरियल डिफेंस के अंदर टारगेट नहीं है, ये आर्टिलरी सिस्टम है, मतलब ये रॉकेट मारने के लिए है बैटलफील्ड में, ठीक है। तो यानी सरफेस टू सरफेस ही हो गया है, ये एरियल थ्रेट्स नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, ये किसी पर्टिकुलर टारगेट पे रॉकेट अटैक करेगा। मल्टी बैरल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही बैरल में आपको यहाँ पे 6 या फिर 12 रॉकेट्स मिल रहे हैं। सो यू कैन सी हेयर वेरी इजीली कि यहाँ पे आपको मल्टी बैरल, और ये ट्रक माउंटेड है तो इससे इसकी मोबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। एंड देन यू कैन एक्वायर द टारगेट, यू कैन कैलकुलेट द रेंज एंड अकॉर्डिंगली लॉन्चर रॉकेट अटैक। इंडिया में ही डेवलप हुआ है, इसकी रेंज कितनी है, Mach 1 जो है उसकी 40 किलोमीटर है और Mach 2 जो है उसकी 75 किलोमीटर्स है। अब यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इससे न्यूक्लियर अटैक भी पॉसिबल है, तो आंसर इज अ बिग नो, ठीक है, नो न्यूक्स, ठीक है, ये न्यूक्लियर वेपन्स की शॉर्ट फॉर्म होती है न्यूक्स, ठीक है, सो नो न्यूक्स, ठीक है, सो ये कन्वेंशनल वॉरहेड पे ही चलेगा। चलिए देन इज अभ्यास। अब ये एक नया जो है डेवलपमेंट है DRDO की तरफ से, अब अभ्यास अगेन एन इंडियन नेम, तो यू कैन इजीली जज कि DRDO ने ही बनाया होगा। DRDO में ADE है, ADE इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, इसी में ही डॉक्टर कलाम थे। तो अभ्यास जो है बेसिकली ये कोई ना तो कोई मिसाइल है ना ये कोई यू कैन से रॉकेट टाइप्स है, ये बेसिकली है एक ऐसा एरियल वेपन, वेपन तो नहीं मैं कहूँगा, एरियल सिस्टम या एरियल ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वेपन्स टारगेट किए जाते हैं, तभी इसका नाम जो है अभ्यास रखा गया है। कि ऐसे जैसे सपोज करिए आपने एक मिसाइल डेवलप की, या लेट्स से DRDO ने एक मिसाइल डेवलप की है, अब उस मिसाइल की एक्यूरेसी वगैरह चेक करनी है कि एरियल टारगेट्स के अगेंस्ट ये मिसाइल जो है वो डेवलप हुई है, तो उस मिसाइल की जो है टारगेट एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, उसे या तो जो उसका लॉन्च पैड सिस्टम होगा अगर सरफेस वाला होगा तो उस पर उसको माउंट किया जाएगा, या फिर अगर वो एयर टू एयर होगा तो किसी एयरप्लेन पे उसे माउंट किया जाएगा और उसके बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। तो क्या ये हवा में जो एरियल थ्रेट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अब एरियल थ्रेट कैसे जनरेट होगा? एरियल थ्रेट जनरेट करने के लिए हम अपना कोई जहाज़ तो कुर्बान कर नहीं सकते हैं कि चलो जी ये उड़ा दिया, जैसे ASAT में हुआ था ना, एंटी सैटेलाइट टेस्ट जब हमने किया था तो उसमें क्या किया था, हमने पहले अपनी खुद की एक सैटेलाइट लॉन्च की, बाद में उसे ही डिस्ट्रॉय किया। अब AFO उसमें वैसी जो है प्लेन्स की कमी हो रखी है, ठीक है, तो वी आर ऑलरेडी डाउन टू 33 स्क्वाड्रंस, ठीक है, जबकि होनी 45 चाहिए। तो इन दैट केस आप इस अभ्यास को लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद इस पे आप टारगेट प्रैक्टिस करेंगे। अब इट इज़ अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है अभ्यास। तो वेरियस
जो है टारगेट सिस्टम्स या फिर मिसाइल सिस्टम्स उनकी वैल्यूएशंस के लिए ये यूज़ किया जाएगा। अगेन इंडिया ने ही डेवलप किया है, इंडिया ने भी DRDO ने डेवलप किया है एंड इट इज़ अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट, तो इट इज़ अ वेरी न्यू सिस्टम। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये टेस्टिंग फेज में है, अब ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज, सॉरी, नेक्स्ट अप इज अर्जुन MBT Mk1, दैट इज MBT स्टैंड्स फॉर मेन बैटल टैंक। ठीक है, सो MBT स्टैंड्स फॉर मेन बैटल टैंक। तो ये जो है बहुत ही अपने आप में या अपनी क्लास में, अपने सेगमेंट्स में, जो कि एक हैवी टैंक सेगमेंट है, उसमें बहुत एडवांस लेवल का टैंक जो है वो बनाया गया है। बनाया इंडिया में ही गया है, नाम अर्जुन है, ठीक है, और DRDO ने ही बनाया है। DRDO की दूसरी लैब है या दूसरी फैसिलिटी है ARDE, तो इसने ये डेवलप किया है। अगेन टैंक सबको पता है किस चीज़ के काम आता है, टैंक इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिलरी, स्पेशली हैवी आर्टिलरी। ठीक है, अब ये जो अर्जुन टैंक है ये बहुत पहले कंसीव किया गया था इसका प्रोजेक्ट, लेकिन फाइनली जो है अब ये बन रहा है। Mk1 जो है वो बन चुका है, Mk2 जो है, ठीक है, उसको डेवलप किया जा रहा है। तो आर्मी ने भी इसके लिए काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री ने फॉर द इंडियन आर्मी। अब इसको यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे फीचर्स हैं। पहले तो आप इसका बाहर का जो कवर है उसे देखिए, तो ये जो है एक्सप्लोसिव प्रूफ है, इन द सेंस कि इस पर कुछ लिमिट तक के जो एक्सप्लोसिव हैं, जैसे बुलेट्स हो गई या कुछ पर्टिकुलर हैवी बुलेट्स हो गई, वो जो है इसके जो आर्मर को है नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती या इसको नहीं नुकसान पहुंचा सकती। हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे आपको इसकी मेन गन दिख रही है, इसके अलावा यहाँ पे एक और गन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, हेयर इज़ द फ्यूल रिजर्व जो आप इसके साथ कैरी कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं ये क्या है। ये इक्विपमेंट जो है आप जब इसे अंदर कर देंगे तो ये हल की तरह काम करता है। जैसे खेत जोतते टाइम हल जो है वो पूरी मिट्टी को ऊपर कर दे, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है उसको हटा देते हैं। ये जो चीज़ है ये बेसिकली एंटी टैंक माइंस जब बिछा रखी होती हैं तो उनको जो है डग आउट करता जाता है, जिससे इस टैंक को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये आगे चलने वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक क्रू मेंबर है, आप एक टैंक को एक ही आदमी चलाता है, टैंक में कम से कम 4 से 5 बंदों का क्रू रहता है। ठीक है, तो एक ड्राइव करता है, एक गनर होता है, एक मार्क्समैन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई मे बी टेकिंग डिफरेंट नेम्स, बट 4 से 5 लोगों का क्रू रहता है। तो फिर इसके आगे एक और आदमी रहता है जो उस एंटी टैंक माइन को जो है साइड करता जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ वाई ये अपने आप में काफ़ी एडवांस और काफ़ी अच्छा जो है वो टैंक माना गया है। अब आप कहेंगे कि ये जो हल टाइप स्ट्रक्चर है ये पूरे इसमें क्यों नहीं लगाए, ये गैप क्यों छोड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली टैंक का जो पूरा वेट है वो एक इस बेल्ट पे जो इसको रोटेट कर रही है और दूसरी तरफ उस बेल्ट पे ही आता है, बीच वाले एरिया पे कोई वेट नहीं रहता। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में ये थे इम्पोर्टेंट जो वेपन सिस्टम्स थे इंडिया के वो। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हम देखेंगे अगले इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम्स। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन अगेन टाइप दैट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा कोई और वेपन सिस्टम जो आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, या मल्टीपल वेपन सिस्टम्स जो आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करने चाहिए, अगेन यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यू नो ट्राई एंड एनकरेज अस टू मेक मोर सच कंटेंट। ठीक है, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।